मेरे इस चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोता दर्शक उन सबको सादर सप्रेम नमस्कार। लगातार कुछ दिनों से भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वयं को निशावर कर दिया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, एक से एक बढ़कर के कुर्बानी, शहादत, उनका शौर्य, वीरता और आखिरी श्वास तक लड़ते रहने का उनका संकल्प और चुनौतियों को चुनौती देने वाले ये महान क्रांतिकारी, विलक्षण, एक से एक विलक्षण तरीके, वीरता के, शौर्य के, शहीद होने के, अंततोगत्वा फांसी या कुछ और, लेकिन अंत तो जिस बात के लिए हुआ वो लक्ष्य एक था और कोई भी कहीं रास्ते में थका नहीं, बैठा नहीं, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। समाज उस समय भी ऐसा ही था। आज हमें लगता है कि इस देश के अंदर भरे हुए हैं गद्दार लोग या विश्वसनीय लोग कम मिलते हैं। तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तब भी कुर्बानी देने वाले, इस भारत माँ की गोद में खेल करके बड़े होने वाले और इस संकल्प के साथ जीने वाले कुछ लोग थे, आज भी वो कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन हम स्मरण कर रहे हैं उस समय आधी से ज्यादा दुनिया में जिनकी सत्ता का डंका बजता था, सूरज नहीं डूबता था, कहीं ना कहीं सूरज दिखता था उनके साम्राज्य में। ऐसी अंग्रेज सत्ताशाही की जकड़ में जकड़ा हुआ ये देश, पहले मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच से संघर्ष करके मुक्त हुआ देश, और 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध ही मैं कहूँगा, वो हमारे देश के क्रांतिकारी लड़ चुके थे। मैंने 1857 और उसके बाद की घटनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास किया है, इसलिए कि इन 90 वर्षों के अंदर वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक ही हम देखें कितने अनगिनत अज्ञात वो क्रांतिकारी जो स्वयं को आहुत कर गए उस यज्ञ के अंदर, वो भी अपना अयाशी का, खुशी का, आराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे। होश में आते ही जब अच्छी तरह से दिखने लगा तो देश की स्वतंत्रता का स्वप्न देखा, जब अच्छी तरह से सोचने लगा तो देश की स्वतंत्रता का ही सोच दिमाग में आया। ऐसे उन सारे महापुरुषों को स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से, और इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। अभी अमृतसर जिला के ही दो महान क्रांतिकारी, विलक्षण, एक से एक बढ़कर के, आज ये जिसका मैं वर्णन आपके सामने करने लगा हूं, इनका जन्म तो यूपी में हुआ, जन्म यूपी के मुरादाबाद जिले में हुआ, लेकिन इनकी शिक्षा पंजाब के जलंधर जिले में हुई। एक हाथ कटा हुआ जन्म से ही, लेकिन विलक्षण, और जैसे ही होश में आए, दिखने लगा, थोड़ा आगे पीछे देख के सोचने लगे तो बस एक ही बात, भारत माँ की स्वतंत्रता, उसके लिए कुछ कर गुजरने का इरादा, नेक इरादा, बुलंद इरादा। आज हम जिसको याद करने चले हैं, उनका नाम सूफी अंबा प्रसाद के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका ओरिजिनल बचपन का नाम अमृतलाल के नाम से वो क्रांतिकारी चलते रहे
और जब जैसे ही जालंधर जिले में एफए की परीक्षा पास की, वकीली की परीक्षा पास की, लेकिन वकालत नहीं की, लक्ष्य वही एक ही तो था ना। अब चूंकि बड़ा काम करना है, देश विदेश में भी जाना है, तो इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव, उससे पहले के जो उनके क्रांतिकारी हुए थे उनके प्रति असीम श्रद्धा, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश। हाथ कटा हुआ, लोग पूछ लेते कि भई ये तुम्हारा पैदा होते ही कटा हुआ था, बताओ जरा अपने बारे में। तो वो क्या बताते, एक सत्य बात, सत्य घटना वो लोगों को बताते। क्या बोलते वो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी झांसी लक्ष्मीबाई की सेना में ये श्रीमान जी ऑफिसर थे, सेना में थे, युद्ध लड़ा था, अंग्रेज सेना से मुकाबला करते करते इनका हाथ कट गया था और कुछ देर के बाद वहां मृत्यु भी हो गई थी। 1857 महारानी झांसी की सेना का एक पदाधिकारी, एक ऑफिसर, ये सैनिक युद्ध के अंदर अंग्रेजों के साथ हाथ कटता है। और फिर क्या बोले, 1858 में जब मेरा जन्म हुआ, चूंकि उस जब मेरी मृत्यु हुई थी तो मैं 40 वर्ष का था, 1858 में जब मेरा जन्म हुआ, ये पूर्व जन्म की बात वो बताई थी उन्होंने, तो लोग कटे हाथ का जब पूछते तो ये बताते कि फिर मेरा जब जन्म हो गया कुछ दिनों के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो वो हाथ कटा ही मैं लेके आ गया। पुनर्जन्म की बात हमारे तो यहाँ भारतीय दर्शन में पूरी तरह से स्वीकार्य है, और मैं तो इस बात को बचपन से अच्छी तरह से इस पर विश्वास करता हूँ। पुनर्जन्म और गीता की कर्म की थ्योरी को मैं अक्षरशः उसके साथ सहमत हूँ और पूरी तरह से कायल हूँ। और ये घटना देखिए कि हाथ कटने के बाद कुछ देर के बाद मृत्यु होती है, और जब मैं जन्म लेता हूँ तो मुझे कटे हाथ के साथ ही ये शरीर मिलता है। जालंधर जिले में एफए वकालत करने के बाद वकालत ना करके ये भोपाल चले गए। इनके मन में था कि अगर अंग्रेजों को जानना है, अच्छी तरह से इनको समझना है, उनके छल कपट को, उनके व्यवहार को, उनकी चालाकियों को, उनके चातुर्य को, उनकी अनैतिकता को, उनकी योजनाओं को, उनके षड्यंत्रों को अगर समझना है तो मुझे उनके साथ रहना होगा। 1890 में भोपाल जाकर एक अंग्रेज ऑफिसर के पास भोजन बनाना, बर्तन साफ करने का काम लेकर, कुछ नहीं, उन्होंने अपनी शिक्षा नहीं बताई, क्वालिफिकेशन नहीं बताई कि मैं समझूं इसको, ये लोग कैसे लोग हैं। और कुछ बातें तो व्यवहार की समझ में आ गईं। एक बात इनको ध्यान में आई कि अंग्रेज लोग राजाओं के ऊपर ध्यान रखते हैं, फोकस करते हैं, उनकी कमजोरियों को जानने की कोशिश करते हैं, और फिर एक समय आता है जब उस राज्य को ये हड़प लेते हैं। भोपाल को भी हड़पने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, परंतु ये भेष बदल कर जिस प्रकार के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के जो काम कर रहा था, यह अपने आप में एक अलग एपिसोड है, घटना है, कैसे बचाया। लेकिन ये वहाँ एक सर्वेंट की तरह काम करने वाला व्यक्ति, वही नौकर काम करते हुए ये पत्रिकाओं के लिए लिखा भी करता,
अंग्रेजों का छल कपट समझना है, व्यवहार समझना है, उनका सुबह से शाम तक की दिनचर्या देखनी है, वो किन से मिलते हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचते हैं, ये सारा तो था ही था। अब हुआ भोपाल में उनको सफलता नहीं मिली, तो इन्होंने अपना नाम बदल कर, नौकर होते हुए भी नाम बदल कर अमृत बाजार पत्रिका में लेख लिखने शुरू किए। अब जो वहां का जो इंग्लिश अंग्रेज रेजिडेंट था, उसने ये वहां पर इनको लगा के मैं जो अपने दूसरे नाम से लेख लिख रहा हूं, तो जांच पड़ताल शुरू हो गई थी, पीछा शुरू हो गया था, तो ये वहां से भोपाल छोड़कर मुरादाबाद में एक साप्ताहिक उर्दू जामियुल उलम के नाम से एक पत्रिका शुरू कर दी। 1897 में क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज शासकों ने विद्रोही घोषित किया इसको, चूंकि इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन क्रांतिकारियों के साथ हो गई थी। भोपाल की बातें भी अंग्रेजों के बीच सामने आ गई थी, वहां के लेख, फिर आनंद बाजार पत्रिका के लेख, और अब मुरादाबाद में जामियुल उलूम नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका में, उर्दू की पत्रिका थी, उसके अंदर लिखना शुरू किया और क्रांतिकारियों के साथ निकट का संबंध आ गया। अंग्रेजों ने इसको पकड़कर, ये पकड़ा गया, डेढ़ वर्ष की अंग्रेज सरकार के विद्रोही का एक आरोप लगा के डेढ़ वर्ष की सजा हुई, भुगत करके आए, लेकिन जैसे डेढ़ वर्ष के बाद बाहर निकले, इनकी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर ली गई, जहां जहां जो जो थी, और प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद इनको और कई केस बना करके 6 वर्ष की कैद। अब इनके ऊपर कोई हत्या का केस तो था नहीं, तो ये धारा, आपने षड्यंत्र किया, आप अंग्रेजों के खिलाफ ये करते हो, आप लेख लिखते हो, आप क्रांतिकारी हो, वगैरह वगैरह, 6 वर्ष की सजा इनको और दे दी गई और 6 वर्ष इनको जेल में बंद कर दिया गया। 1906 में ये फिर से एक बार जेल से मुक्त हो गए। उत्तम लेखक, पत्रकार, राष्ट्रभक्त के नाते प्रसिद्धि सब तरफ होनी शुरू हो गई थी, इनकी पहचान हो गई थी। पंजाब में वापस जालंधर नया समाचार पत्र हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित किया। सब तरह की सजाएं भी भुगत रहे थे, जेल भी जा रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। इन्होंने जालंधर आकर के देशभक्त मंडल नाम की एक संस्था बनाई। वो देशभक्त नाम की संस्था की जो सदस्य थे, उनका क्या काम था, ये सब सन्यासी बन गए। सन्यासी बन करके ये पर्वतीय क्षेत्रों में निकल गए, चले गए। ये खुद भी अंग्रेजों की आंख में खटकने लग पड़े थे, इसलिए बाबा, ऐसे अपने आप को बाबा कहलाना शुरू कर दिया, वेश बदल दिए भगवे कपड़ों में बाबा बनकर, और इन मैदानों से निकल करके पहाड़ों में अपने उस प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। ये सब चल ही रहा था, तो इसको लगा के सूफियम्बा प्रसाद को, अमृतलाल को लगा कि इस देश के अंदर अब रह करके बहुत कुछ कर पाना कठिन होगा, या तो ये मुझे जेल में डाल देंगे या फांसी लगा देंगे। फांसी का डर नहीं था, पर कुछ करना चाहता हूं, अभी कुछ किया नहीं और बड़ा करना चाहता हूं। तो ये सूफी अंबिका प्रसाद जो है, कराची में जहाज में बैठकर ईरान चले गए। ईरान में सरदार अजीत सिंह, कौन, भगत सिंह के चाचा जी, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो ईरान में
पहले से क्रांतिकारी गतिविधियों में चले हुए थे। अंग्रेजों ने ईरान के अंदर भी जाके ढूंढना शुरू किया आगे किस प्रकार का ईरान के आगे की यात्रा, और कमाल के आगे के इनके कारनामे कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस अवस्था में, कैसी स्थिति में, किन परिस्थितियों में, कैसी चुनौतियों का सामना करते हुए आखिर में ये व्यक्ति किस प्रकार से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन से खेल गए। इस सारा वर्णन, इस सारे वर्णन को मैं कल के एपिसोड के अंदर अमृतलाल नागर और जिसको सूफी अम्बा प्रसाद के नाम से जाना गया, हाथ कटा हुआ 1857 की वो झांसी का ये सैनिक क्या बता रहा है, और कैसे शुरू से लेकर बचपन से अभी तक ईरान पहुंचने तक की यात्रा मैंने आपके सामने रखी है। कल ईरान के आगे बढ़ेंगे। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, यानी इस स्वतंत्रता के लिए कितने लोग काम आए, कितनी शहादतें हुई, और हमें कहा गया कि आज़ादी दो लोगों ने लेके दी है, गांधी और नेहरू, कांग्रेस, अरे कांग्रेस जिसको एक अंग्रेज ने शुरू किया और वो क्या करती रही आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, अब लोग समझने लगे हैं उसकी सारी काली करतूतों को। भारत के पॉलिटिकल मैप से अब वो लुप्त भी हो रही है, टॉर्च देख के लेके देखना पड़ता है कि कहाँ रह गई है। वामपंथी जिन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की और हमारे इतिहास को विकृत किया, इन महान पुरुषों का, क्रांतिकारियों का कहीं इतिहास में नाम नहीं आने दिया, वो भी लुप्त हो रहे हैं। लेकिन खतरे कम नहीं हुए, देश के अंदर अभी भी गद्दार दंडन आ रहे हैं। जिन गद्दारों के कारण हम गुलाम हुए थे, वो गद्दार आज भी इस देश के अंदर हैं। उनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनसे देश को बचाना पड़ेगा। मैं आज भी, आज का वर्तमान भी आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ एपिसोड्स के द्वारा, और इन्हीं बातों के अंदर आज की जो वर्तमान की चुनौतियाँ हैं, कभी ये किसान आंदोलन के रूप में, कभी खालिस्तानियों की, कभी नेक्सलाइट की, कभी अर्बन नेक्सलाइट की, कभी जिहादियों की, कभी ये पिटे हुए पॉलिटिशियंस, बिके हुए षड्यंत्रों का शिकार हुए ये बुद्धिहीन, दिशाहीन देश द्रोही, इन सब की बातें भी मैं आपके सामने करता रहता हूँ। तो आइए, अतीत से जो सीखने वाला है वो सीखेंगे, वर्तमान में आंखें खोल करके जो देखने वाला है वो देखेंगे, वर्तमान और अतीत से दोनों से शिक्षा लेकर के अच्छे भविष्य की ओर भारत को लेके जाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।